आज हम यूसमर्ग में मौजूद है। आज हमने मुनासिब समझा, आज हम रात भर यूसमर्ग में ही रुकेंगे, क्योंकि यूसमर्ग के जितने भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, जितने भी लोग सैर तफरी करने के लिए आ रहे हैं, चाहे लोकल या नॉन लोकल हो, उनके लिए एक खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर जो है नाइट स्टे के लिए यहाँ पर कैंपिंग लगाई जा चुकी है, यहाँ पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। लम्सी कैफी एंड रिजॉर्ट, उन्होंने यहाँ पर जो है नाइट स्टे के लिए टेंट भी रखे हैं, आप यहाँ पर रात भर रह सकते हैं, यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं और आपको हम विजिट करवाएंगे इस कैंपिंग की जगह है। बहुत अच्छी जगह है और जगहों से हम पूरे कश्मीर को घूमे हैं, जो जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, बट इसे कोई अच्छी जगह और कोई नहीं है, बिल्कुल जन्नत जैसे। और यहाँ जो भी आएगा, लम्सी रिजॉर्ट है यहाँ पे, तो उनके पास स्टे करें, टेंट अवेलेबल है उनके पास, हर कोई फैसिलिटी है उनके पास बहुत अच्छी तरह से, और रेट भी मुनासिब दे रहे हैं, और जगह पे ठग रहे हैं वो, और रेट भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बट यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, रेट भी अच्छे है, बस सिर्फ नेटवर्क इशू है और रोड का थोड़ा है, बाकी बहुत ही अच्छी जगह है, शांतपूर्ण जगह है ये, और जन्नत जैसी है। यहाँ इतना मजा हमें कहीं नहीं आया, और हमने पहली बार यहाँ नाइट स्टे भी किया और बहुत मजा आया। 5-8 जगह हम घूमे हैं, रहे हैं, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो, सबसे अच्छी जगह हमें यही लगी। हम खुद दूध पथरी के एरिया से है, लेकिन जो इसका प्लेस है ना, वो सबसे ज्यादा एक तो बड़ा है और ज्यादा खूबसूरत भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही तवज्जो कम दिया है, पीछे रखा है इस स्मारक को। और ये एयरपोर्ट को भी बिल्कुल एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक है इसका, बड़गाम का जो है एरिया बहुत अच्छा है ये। हम यहाँ ठहरे हैं लम्सी कैब एंड कैंपिंग पे, बहुत अच्छा लगा हमें इनका, और बाकी लोग भी जो है वो इनसे राबता करें, क्योंकि ये अच्छा ट्रीट करते हैं कस्टमरों को, और सस्ता यानी कि रेट बड़ा अच्छा मुनासिब है इनकी। सबको हम बोल रहे हैं कि अगर आना है यहाँ पे लम्सी जो कैब एंड कैंपिंग है, इनसे राबता करिए आप, नाइट स्टे हो या दिन का भी, ये पूरा अच्छी खिदमत करते हैं लोग, खाना पीना और रिजनेबल रेट्स में मिलता है हर कुछ। हम सुबह से यहाँ है, हमें दिल नहीं करता है यहाँ से जाने का, पहली बार हम नाइट स्टे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी हमारे दोस्त वोस्त है उनको भी लेके आ रहे हैं हम 2-4 दिन में। लम्सी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो यूसमर्ग की ओर आना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं, और क्या कुछ यहाँ पर आप फराम करेंगे जो भी अगर लोकल या नॉन लोकल यहाँ पर रात को नाइट स्टे करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हो आप, क्या कुछ देना चाहते हो उनके लिए? हम उनके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ पे लम्सी कैंप एंड रिजॉर्ट है, यहाँ पे जो भी आएगा मुनासिब रेट्स उनको मिलेंगे। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज, हर कुछ आइटम यहाँ पे मिलेगा, वो भी मुनासिब रेटों पे, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरी बात, हम यहाँ पे टेंट्स देते हैं, उनकी भी जो हमने रेट रखी है, अगर मार्केट में हम वो कहीं पे भी जाएंगे, यूसमर्ग एरिया में कहीं पे भी जाएंगे, वैसी रेट यहाँ पे, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गुलमर्ग में जाएंगे, पहलगाम में जाएंगे, कहीं पे भी वैसी रेट नहीं मिलेगी जो रेट हम देते हैं। लोकेशन यूसमर्ग है, और हमारा दूसरा भी रेस्टोरेंट है प्रॉपर यूसमर्ग में है, थोड़ा 1.5 किलोमीटर नीचे हम है, सड़क पे यही पड़ता है, लम्सी का बड़ा बोर्ड दिखाई देगा, लम्सी का बड़ा बोर्ड आपको यहाँ पर रास्ते में ही दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर रात भर कोई गाड़ी भी रखना चाहता है, इसके लिए पार्किंग बहुत बड़ी हमने रखी है। हाँ, आगे हमारा जो ये है सीन है, सीनरी बहुत अच्छी है। अगर हम देखो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको रात भर टेंट भी मिलेगा, और टेंट के सामने जहां पर आप टेंट लगाना चाहोगे ना, वहां के बिल्कुल सामने नदी आपको गुजर रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर नाइट स्टे करने में। और आपसे भी गुजारिश रहेगी, आप भी यहाँ पर रात के लिए आए, आप भी यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन कैंपिंग करने के लिए आए, और यहाँ पर ये टेंट भी आपको फराहम करेंगे। अगर किसी और जगह भी आप अपना टेंट लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो, और यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है कस्टमर्स की। और रहने की बात करें, फूड अकोमोडेशन में क्या कुछ मिलेगा, या जो भी यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहेंगे, जो भी नाइट स्टे करेगा वो डिपेंड अपॉन उनके उनके लिए है,
जो वो बोलेंगे वो हम देंगे। मैंने बोला पहले ही कॉन्टिनेंटल मिलेगा, सब कॉन्टिनेंटल मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, इंडियन मिलेगा, जो कुछ भी वो चाहिए वो मिलेगा यहाँ पे। हमने हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल रखा है, हमने जो भी वो चाहिए उनको वो उनको मिलेगा। शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी अगर कहीं पर घूमना चाहते हो आप भी एक बार जो है विजिट यूसमरग की करें, क्योंकि यूसमरग की अगर बात करें यूसमरग में लैम्सी वालों ने, लैम्सी कैफे एंड रिजॉर्ट वालों ने यहाँ पर कैंप भी रखे हैं, टेंट भी रखे हैं, और यहाँ पर आप नाइट स्टे भी करना चाहते हैं आप अच्छे तरीके से यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरी रात मजे से ले सकते हैं, मजे उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी सुना है कि वो जो यहाँ पर रात को स्टे करने आए उनने उनकी जबानी आपने सुना उन्होंने क्या कुछ बताया यहाँ पर, क्योंकि उनको भी बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी एक बार आए और बड़े अच्छे रेट, किसी को भी अपनी गाड़ी हो वो भी यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज रखी जा चुकी है, बड़ी पार्किंग यहाँ पर, अपनी गाड़ी आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। और यूसमरग एक अच्छी जगह है आप एक बार घूमने के लिए आए, क्योंकि यूसमरग की अगर बात करें बहुत पुरानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तकरीबन गुलमर्ग जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी, गुलमर्ग के बाद यूसमरग भी फिर टूरिस्ट नक्शे पे आई थी, और आज तब से लेकर आज पहली बार यहाँ पर जो है नाइट स्टे करने का मौका यहाँ पर जितने भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए फराहम किया जा चुका है। यहाँ पर लैम्सी वालों ने, आप लैम्सी का ये जो है रिजॉर्ट देख रहे हैं, लैम्सी वाले रात भर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, और लैम्सी के जितने मुलाजिम हैं वो आपको यहाँ पर खिदमत करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए हमने अच्छे सुविधा रखी है, उनके लिए अच्छी जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी हैं। अगर हम वाशरूम की बात करें, वाशरूम भी यहाँ पर उन्होंने रखा है, और लाइट का सिस्टम इन्होंने रखा है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है नेटवर्क का भी सिस्टम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो टेंट में रात गुजारना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नेटवर्क भी है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने कैंप टेंट लगाए हैं, जहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया है यहाँ पर नेटवर्क भी जो है आ रहा है, और आप जो है आप एक बार यहाँ पर विजिट करें ताकि आप भी यहाँ का मजा उठा सकते हैं।